चांद और मैं तारा। अगर तुम एक बार भी बात कर लेते तो मैं और माला फुल स्टैंड लेते तुम्हारे लिए। और इससे पहले हमारे बड़ों ने हमारी कौन सी बात पे इनकार किया यार? तुम्हें जरा भी अंदाजा है चच्चा और चच्ची कितने हर्ट हुए तुम्हारी हरकत से? उन्हें कितना मान था तुम पे यार? मामा, आप क्यों कर रही हो बार बार कॉल? मान लो ना मामा की बात। ना तो उन्होंने खुद एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारी और ना तुम्हें गुजारने देंगी वो। नहीं, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम उनके दिमाग में, जिसमें उनके खुद साख्ता उसूल डाउनलोड हो चुके हैं। डॉक्टर तारा। यस मैम। आपकी मामा ने कहा है कि आप डॉक्टर सनम की गाड़ी में घर जाओ कि मेहमान आने वाले हैं। और मामा वो तो ओटी में है ना डॉक्टर फरिया के साथ, आप जाओ। जी मैम। अरे मैं छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी में तुम्हें यार। तुम कैसे छोड़ोगे, तुम्हारे अंगूठे में चोट लगी है ना। तो ब्रेक अंगूठे से थोड़ी लगाना होता है। गाड़ी को ब्रेक लगाया जा सकता है लेकिन तुम्हारी ज़बान को नहीं। इससे पहले कि मामा का एक और कामयाब छापा पड़ जाए, चलो उठो, चलो आराम से। पांव पे चोट लगी है, हाथ पे नहीं। थैंक यू आपके बताने का, चलो। आप रहने दे, मैं कर दो ट्रेन। एक बात पूछो। पूछो। ये तुम इतना टेंस अपने हर पेशेंट के लिए होती हो या क्या? ये खास प्रोटोकॉल सिर्फ मेरी नसीब में लिखा है। तुम्हें क्या लगता है? वही जो तुम्हारे दिल में। बोल नहीं सकते हो क्या? समझ नहीं सकती हो क्या? इतनी समझदार होती तो तुमसे मोहब्बत करती। तो फिर किससे करती? शायद किसी यूके रिटर्न ऑर्थोपेडिक सर्जन से। उफ, क्या हुआ? टीस उठे। कहाँ? अंगूठे में? नहीं, मेरे दिल में। क्या बाकी आ गए? तुम्हें क्या लगता है? अरे तुम बता नहीं सकती क्या? तुम समझ नहीं सकते हो? इतना समझदार होता तो तुमसे मोहब्बत थोड़ी करता मैं। फिर किससे करते मोहब्बत? तो फिर करता किसी यूएस रिटर्न कार्डियक सर्जन सोनिया से। डॉक्टर सोनिया? तुम कैसे जानते हो डॉक्टर सोनिया को? अभी एक वीक पहले तो उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल वैसे ही जानता हूँ जैसे तुम जानती हो ना ठंडी तोड़ जोड़ को। एक हफ्ते पहले ही प्रपोजल भिजवाया था ना उसने। चलो निकलो यहाँ से मेरे हॉस्पिटल से, और आइंदा नजर आए ना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ठीक है, अंगूठा तो टूट ही गया है, टांगे भी तोड़वा लेंगे डॉक्टर सोनिया के लिए। अच्छा सुनो, मैं तो मजाक। तारा, अरे मेरी बात तो सुनो। यार इस चोट को भी अभी लगना था। वैसे आंखें काफी ब्राइट हैं डॉक्टर सोनिया की। चार नंबर के ग्लासेस लगाती हैं वो। अरे वो तो बंदा ऑपरेट भी करा सकता है। एक्ने भी है उनके चेहरे पर। हम चेहरे की नहीं दिल की खूबसूरती के कायल हैं मैडम। तुमने देखा कहाँ है उन्हें? लास्ट फ्राइडे आया था ना बाबूजान की रिपोर्ट्स लेके, तो काफी लंबी मीटिंग हुई थी मेरी उनके साथ। लास्ट फ्राइडे? हाँ जी, दिल पे लिखी भी डेट आज तक। ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने और सेम कलर का आईलाइनर लगाया हुआ था। क्या बात है। कफर, अपना होमवर्क तो पूरा रखते, लास्ट संडे ज्वाइन किया उन्होंने। अरे मूड ठीक कर लो, नहीं मिला मैं उससे, वो तो मैंने उसका नाम बार बोर्ड पे पढ़ लिया था। वैसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिल पे लग गई थी ना, सच बताना। जैसे तुम्हारे दिल पे लगी हुई है। उस कमबख्त माहिर हड्डी जोड़ तोड़ से ध्यान हटाने के लिए तो ये सारी ऊटपटांग हरकतें कर रहा हूं मैं। ट्रस्ट करो मुझ पे, पहली बार अगर मामा के सामने किसी के लिए स्टैंड लूंगी ना तो वो तुम होगे। यार बस मैं ये चाहता हूँ कि माँ बेटी के दरमियान इख्तलाफ की बड़ी वजह कभी मैं ना बन। अब तो बन चुके हो वजह, अब देखो क्या होता है। अच्छा सुनो, ब्लैक कलर का सूट पहनने की जरूरत नहीं है, तुम पे बहुत सूट करता है। अच्छा ओके।
ठीक है नयनतारा, एक घंटे की मीटिंग निपटा कर आ गई और तुम अभी तक सो रही हो। हाँ सो गई थी आकर। तैयार क्यों नहीं हुई? रजिया जल्दी से इसके कपड़े निकाल कर लाओ। तुमने अभी तक कोई जोड़ा सेलेक्ट नहीं किया? कुछ भी निकाल दे। हद करती हो वैसे तुम भी, गेस्ट आने वाले हैं। नहीं नहीं ये रहने दो, बहुत डर लगती है, मैं खुद निकाल के लाती हूँ। कुछ भी निकाल दे हमेशा की तरह। ये पहन लो ब्लैक, अच्छा है। ये तो कभी नहीं पहनूंगी। क्यों, क्या बुराई है इसमें, इतना तो अच्छा है ये। सारिम ने दिया था ये हाउस जॉब कंप्लीट होने पर। एक तो हर चीज में सारिम, लेकर आती हूँ दूसरा। ये पहन, तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार होकर आओ। शाबाश। ये गाड़ी इंश्योर्ड है? हमारी? मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, इसीलिए इतने सुकून से खड़े हैं। आपकी तारीफ। पहले मैं डॉक्टर था, लेकिन अब मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा, तो आप हैं डॉक्टर राजिया के एक्स हस्बैंड? एक्सक्यूज मी, प्रेजेंट भी मैं ही हूँ। आप हैं डॉक्टर फारूक, जिनकी बेटे की रोनुमाई के लिए मुझे यहाँ जहमत दी गई है। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई गाड़ी की? कभी ध्यान ही नहीं गया इन बातों पर। तुम इंग्लैंड से आए हो ना? भाई यूके में क्या घास खोदते रहे हो? इतने अरसे इंग्लैंड में रहने के बाद तुमने अंग्रेजों की कोई अच्छी चीज अडॉप्ट नहीं की? वो इससे अभी आए हुए एक माँ ही हुए। यानी जब तक आप सिखाएंगे तो ये आपकी तरह बुढ़ा हो जाएगा है? ये ले एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, और अशर बेटा आपको तो दो इंश्योरेंस पॉलिसियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। एक मिनट। वैसे ये आपको लेके आना चाहिए था, है ना? आइए आइए आइए। बेटा गेस्ट आ गए, ट्रॉली लगाओ। मामा उन्हें सांस तो ले लेते, और ये ट्रॉली वाली हरकतें ना मुझसे नहीं होती, मरियम ले जाएगी। ये तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? अरे बेटा समझने की कोशिश करो, इकलौता बेटा है। मामा इकलौतेपन वाली कहानी ना मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती, कोई और लॉजिक दें आप। लड़के की माँ भी नहीं है, सारी जिंदगी उस घर में तुम ऐश करोगी। कितने अफसोस की बात है मामा, किसी की माँ के मरने पर आप खुश हो रही हैं? क्या जिंदगी में रिश्तों से इतना दूर क्यों भागती हैं? क्योंकि यही रिश्ते हमारी जिंदगियों में जहर घोलते हैं। हम कभी और बात करेंगे इस टॉपिक पर। कि पापा के ड्राइंग रूम में जाकर बैठ के मुझसे मिलने भी नहीं आए हैं। तुम भी मिल लेना, आज भी हमेशा की तरह अपनी फेवरेट रेड टाई लगाकर आए। ये सारी शोखी ना तुम में उन्हीं की तरफ से आई है। ख्याल आ गया आपको मेरा? अरे मेरी जान तुम तो हर वक्त मेरे दिल में रहती हो, तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। अच्छा इसलिए आप जाके ड्राइंग रूम में बैठ गए? सिर्फ बैठे नहीं थे, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच रहे। अरे बेटा दोनों बाप बेटे बेवकूफ, दोनों को पॉलिसियां बेच दी। चेक करो अपने फादर का टैलेंट। लड़के का टैलेंट देखें, जिस मकसद के लिए आपको बुलाया गया यहाँ। भाई मीर जाफर ने ओके कर दिया, लड़का ओके है। क्या मतलब? अरे बेटा आंखें बंद करके हाँ कर दो अपनी माँ की पसंद पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है लड़का। मुझे पता था आपको लड़का पसंद आएगा, आफ्टर ऑल राजिया की पसंद है, जो गलत हो ही नहीं सकती। पापा भी आप ही की चॉइस से ना, जिन्हें कई सालों से आप गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। So sad. यार तारा क्या चुन चुनकर सारी मनोज के सिंह की खबरें आज ही सुनानी है तुमने मुझे? पापा ने भी तो जबरदस्त शॉक दे दिया मुझे। वैसे तो तुम्हारे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, मेरे खिलाफ इतनी यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों।
बस दुआ करो ये यकजहती आज भी ज्यादा देर तक ना चले। अल्लाह करे। हेलो हेलो, अल्लाह करे इसके पेरेंट्स फिर से लड़ पड़े, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए राजी ना हो, खुद भी ऐसी तड़पे जैसे मुझे तड़पा रहे हैं दोनों मिलकर। हम दोनों में ये तय हुआ था कि किसी भी सूरत में हम नैन तारा के जहन को खराब नहीं करेंगे। फिलहाल तो वो अपना फ्यूचर खराब करने पर तुल गई है उस फजूल किस्म के इंजीनियर के चक्कर में। अरे अगर वो उसे पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है? ये बुराई कम है क्या कि 19-20 के फर्क से एज इट इज उसके खानदान से आपके खानदान की झलक आती है। मेरा खानदान क्या अडियाला जेल से कैद काट के आया या ECL में नाम है मेरे खाते? फॉर गॉड सेक जाफर, अपनी बेटी को कंट्रोल करें। ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठे हैं, लेकर आए उसे, फिर झटका दिया ना अपने शोल्डर्स को। मेरे शोल्डर्स, मेरी मर्जी। आप जब भी झटकते हैं ना, मेरी लाइफ में कोई ना कोई झटका जरूर आते। ये तो बाद में पता चलेगा राजिया बेगम कि किसकी लाइफ में झटका आया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। जा रहा हूं मैं, मेहमानों को भुगतने। चलो फिर आगे इनके अंदर मीर जाफर की रूह। बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे उस लड़के के बारे में? सिंगापुर गए हुए थे आप, दो बार का मैं फॉल बैक करूंगा, पता नहीं फिर कहां गुम हो गए। क्या नाम क्या है भाई उसका जो बड़े खानदान वाला है? सारिम गुलजार, सन ऑफ गुलजार अहमद। सारिम, अच्छा नाम है, नया नाम है, लेकिन ये गुलू गुलजार कुछ दिमाग में अटक रहा है। पापा भी इनकार करना है तो वैसे ही कर दे, मामा की तरह इंसल्ट मत करें उसकी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, देखो गुलजार का मतलब फूल समझ लो। उठा ले, कोई अर्जेंट कॉल होगी। अरे नहीं उठाऊंगा मैं, वही मेरा चिपकू बॉस मकसद है, टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। भाई इंश्योरेंस पॉलिसी का टारगेट है, कोई टारगेट किलिंग तो नहीं है? ये उसी लड़के की कॉल है ना जिसकी वजह से तुम्हें वो ड्राइंग रूम वाला छोटा हड्डी जहर लग रहा है? छोटा हड्डी? अरे वो ही डॉक्टर अशर। भाई उसका बाप बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, वो हुआ बड़ा हड्डी और ये छोटा डॉक्टर है, ये हुआ छोटा हड्डी, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बहुत इजी है। यार तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा बड़े सेंसिबल हैं, बड़ी आला चॉइस है उनकी। क्या खास चॉइस है, उन्हें भी वो हड्डी जोड़ तोड़ पसंद आ गया। यार डॉक्टर से निकल के भी देख लो, हम इंजीनियर्स भी ना बड़े हैंडसम होते हैं। तो बेटा एक काम करो, कल आ जाओ मेरे दफ्तर, वही करेंगे फैसला कि डॉक्टर अच्छा है या इंजीनियर। रॉन्ग नंबर है ये, रॉन्ग नंबर। तारा का फोन भी उठा लेते हैं, भाग गया। अच्छा इसे कहना कि अपने सारे रॉन्ग ठीक कर ले, राइट, और कल मेरे दफ्तर आ जाए। आप, मैं आपके लिए ना आपकी फेवरेट चाय बना के लाती हूं। अरे थैंक यू, मक्खन लगा रही है मक्खन। नाखून तो पहले ही टूटा हुआ था, पूरे पैर में ही दर्द हो रहा है मेरे। हाल तो पहले ही खराब था और अब चाल भी खराब कर लिए। अरे जरा संभल के जड़ से ही ना उड़ा देना तुम, वैसे ही मेरे पेन हो रहा है यार। सास को तो जहर लगता ही था, अब सुसर भी ब्लैकलिस्ट करेंगे मुझे। क्या ऑल बोल रहे, हुआ क्या है? अच्छा मुझे बताओ, मेरी शक्ल किसी टेररिस्ट से मिलती है क्या? नहीं तो या मेरी नाक में कोई फॉल्ट है, या मेरी आंखों से मैं कोई अय्यार मक्कार या दो नंबरी करने वाला इंसान लगता हूँ? नहीं फिलहाल तो चेहरे पे फिटकार बरस रही है, वजह? वजीराबाद की सारी चाकू छुरियां चल रहे हैं मेरे दिल के ऊपर यार। अगर आज माँ जिंदा होती तो पूछता क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। एक किक मार के ना भीम से बाहर फेंक दूंगी अगर ठीक बात नहीं बताई तो। तारा के पेरेंट्स ने पसंद कर लिया हड्डी जोड़ तोड़ को अपनी बेटी के लिए यार। वाओ ऑर्थोपेडिक, तुम मेरे साथ हो या मेरे रकीब के साथ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ हो, पर इतनी आसानी से ऑर्थोपेडिक सर्जन को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। दिन तो जा रहा है उसकी हड्डियों का कचूमर सैलेड बना दूं ताकि जिंदगी भर बैठ के वो जोड़ता रहे। चांद भैया, चांद भैया देख लो कोई बुरी खबर ही सुनाई की। चांद भैया, आशु भैया टायर से छलांग लगा रहे हैं।
यार उसको बोलो कल छलांग लगा ले, आज यूएसए स्पेन का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बास्केटबॉल का। और मेरी तरफ से बोलो कि जाके अभी छलांग लगा ले, अगर हड्डियां टूटेंगी तो मैं डिस्काउंट में जुड़वा दूंगा अपने रकीब से। यार अजीब है आप लोग तो, मैं ताया मां को बताती हूं। वैसे सच में ना मर जाए मेरा भाई, देख के आती हूं। वो मरे ना मरे ये भाई मर जाएगा। अरे भाई ये जो दबी दबी सी मुस्कुराहट है ना आपकी, अरे डरे उस वक्त से जब दुनिया हम पर हंसेगी। लो आंसू पोंछ लो। अरे अकलमंद औरत, औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है, वो जिस उम्र में भी दे। हाँ 19 साल का बच्चा है हमारा। अरे छोड़ो उस नालायक को, बस दुआ करो कि अल्लाह बेटी दे, टेनिस स्टार बनाऊंगा मैं उसे। लो एक टिकटॉक स्टार, दूसरी टेनिस स्टार। अरे इंसानों वाला कोई काम नहीं कराना अपनी किसी औलाद से। ताया अबू ये वीडियो देखे। ए? अरे ये तो नानजार आशु है, लेकिन ये टेरेस की ग्रिल पर चढ़कर क्या आइटम कर हला छलांग मारने लगे लॉन में, मुझे कहते पूरी वीडियो बना रहा। अस्तगफुरुल्लाह ये क्या फिल्म पैदा किया तुमने। अरे इकलौती औलाद है हमारी। लेकिन अब इकलौती नहीं रहेगी, समझो कुदरत के इशारे हैं ये। इशारे ना अपने हद तक ही महदूद रखो, चलो जाओ पहले उतारो उसको। किन इशारों की बात कर रहे हो तुम? चलो मेरे साथ मैं बताता हूँ। आप अब तो तेरा अंग्रेजी वाला सफर समझो शुरू ही हो गया। मेरा बच्चा आशु। पहले तो लड़का बेस्ट लगा था आपको, अब कैसे यूटर्न ले लिया आपने? क्यों ना लेता यूटर्न, वो छोटी हड्डी वाले की आंखों का मैलापन जो मुझे नजर आ गया था, और वो बड़ी हड्डी वाला मेरी पॉलिसी लेके ही मुकर गया। ये क्या छोटा हड्डी बड़ा हड्डी लगा रखा है आपने? दोनों इंतहाई प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन है बाप बेटा। जी बड़े प्रोफेशनल थे, यानी उनको आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था सिवाय आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या हुआ पापा, पसंद नहीं आया आपको डॉक्टर अशर? अरे एक नंबर का लालची था वो छोटा डॉक्टर, और वो बड़ा डॉक्टर बहुत ही कंजूस, मतलब हॉस्पिटल की अर्निंग पूछ रहा था, कितने बेड है, ओपीडी कितने है, ओटी कितने है, नर्सें कितनी है, यानी तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल की सारी डिटेल पूछ ली सिवाय तुम्हारे। रियली पापा, ऐसा क्यों उन्होंने? तारा ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारे बाप को ज्यादा गुस्सा इनकी इंश्योरेंस ना होने का है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास गधों की इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी नहीं है। और सुनो बड़े डॉक्टर को फोन करो, हमने नहीं करना अपनी बेटी का रिश्ता उनके घर में। तो फिर कहाँ करेंगे आप रिश्ता? सोचते हैं कोई ना कोई ऑप्शन निकल आएगा। क्यों बेटा तुम्हें कोई पसंद है लड़का? इसकी पसंद के ऑप्शन पर मैं पहले ही लाइन फेर चुकी हूँ, समझे आप? अरे हम नया पेज खोलेंगे और उस पे नया नाम लिखेंगे। क्या नाम है इसका? सारिम। हाँ गुल गुलजार बनाएंगे इस घर को, जल्दी से म्यूजिक लगाओ, तुम्हारी माँ ने तो इसको जहन्नुम बना दिया है। चलो कम ऑन कम ऑन। पापा मेरे बेटी, अगर रूमी की इसी हफ्ते रुखसती ना करवाई तो मैं छलांग मार दूंगा यहाँ से। अरे रुखसती के बच्चे, तेरी रुखसती फिर भी नहीं होनी इस दुनिया से, खामखा की हड्डियां तोड़ाएगा और हमारा खर्चा कराएगा। किसी को एहसास नहीं है मेरे जज्बातों का क्या? शफीक भाई मैं इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता, फ्रेश फूलों की पत्तियों के पत्तियां डालते हैं हम लोग। मेरी कब्र के लिए भी फूल मंगवा ले भाऊजान थोड़े और। ओ कब्र, हाँ याद आया वो उसकी कब्र। ऐसा कीजिएगा कि बाबू भैया फूलों की पत्तियों में 5 किलो और इजाफा कर दे, एक मैयत पर डाल ली। ठीक है ठीक है, हो जाएगा 5 किलो और। हाँ हाँ शफीक भाई, नहीं नहीं औलादे खुदकुशी कर रही है, बचाएं उसे। अच्छा है ना इसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब्बा मोनोपोली क्यों, एक और बच्चा अडॉप्ट करने का इरादा है क्या? नहीं 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 किसी को एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रही है? देखो तुम मेन्यू को जाकर देखो, 5 किलो पत्तियों का इंतजाम मुझे करो। यस मेन्यू मेन्यू। हाशु एक काम करो, तेरे
से नहीं छत से छलांग लगाओ, क्योंकि हम जैसे टैलेंटेड लोग ना ये दुनिया डिजर्व ही नहीं करती है। मैं यही कह रहा हूँ माला, लालच भेज तो ऐसी जिंदगी में जैसे कदर ही नहीं कि आप जियो या मरे, मैं कूदरे बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बाजू भैया कूदो, बाजू भैया कूदो। अच्छा छोड़े इसको, सूजी का हलवा कौन खाएगा? मैं गरम गरम मैं आ जाए जल्दी से। आ जाओ बेटा, तू भी गरम गरम हलवा खा ले पहले, फिर कूदना। अच्छा 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 चलो से। मैं कूदने आया था, किधर जा रहे हैं? अरे खुदकुशी नहीं की? मैं तो देखने आ रहा था कैसे करते हैं खुदकुशी। क्या बताऊं यार, ओए बुज़दिल तूने खुदकुशी नहीं की? मैं अपने काम छोड़ के देखने आया था। पुराने मजाक उड़ाने, मेरी वैसे कोई कदर नहीं है यहाँ पे। लेकिन तू कूदा क्यों नहीं? मैं कूदने ही गया था कि सब सूजी का हलवा खाने चले गए। क्या सूजी का हलवा? जिसका नाम ही मीर जाफर हो वो खाक किसी से वफा करेगा। हाँ हाँ डाल दिया ना रंग में भंग, ये जब भी रेड टाई लगा कर आते हैं ना, बस मेरे अरमानों का खून ही करके जाते। लो जी आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे कॉल अटेंड करने का इतना शौक क्यों है यार? तुम भी तो बगैर किसी कॉमे फुल स्टॉप के शुरू हो जाते हैं उनके खिलाफ बोलना। यार उन्होंने भी तो तोपों का रुख मेरी तरफ ही किया हुआ है। खैर सॉरी कर लूंगा मैं जाके। मैं सोच ही रहा था कि लंगड़ाते हुए उनके ऑफिस जाना अच्छा लगेगा क्या? तुमने कौन सा ब्रेक डांस करके दिखाना है उन्हें? अरे बात ब्रेक डांस की नहीं है यार, फर्स्ट इंप्रेशन की है। वो तो तुम्हारा डल चुका है। बहुत अच्छा खराज तहसीम पेश किया तुमने मेरी फोन कॉल पर उन्हें। यार इसी बात की तो टेंशन है मुझे। अच्छा खैर जो होना था हो गया है। पापा ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत ब्रॉड माइंडेड, मामा से बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा चलो देखते हैं कितने ऑपोजिट है। खैर अब नेक्स्ट करना क्या है? तुम 10 बजे ना बस पार्क पहुंच जाना, मैं तुम्हें ना स्पीच लेकर दूंगी, बस रट्टा लगा लेना उसका। अरे मैं अगर रट्टे में इतना अच्छा होता तो मेडिसिन पढ़ के अपनी सास को इंप्रेस ना कर लेता। यू कंप्यूटर्स के कोड डीकोड ना कर रहा होता। एक तो 4 दिन से मैंने कोई काम भी नहीं किया हुआ है, इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट आया था। लेकिन ये इंटरनेट मजार है जो चल जाए यार, इधर उधर घूम घूम के सिग्नल्स देखते रहो हर वक्त। पता नहीं कौन से जमाने में हो तुम, सिग्नल सुनते फिर रहे हो। सुपर का दौर है, जैज सुपर 4G यूज करो यार। गुड आइडिया, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता। सुपर का दौर है 4G। ओके असल फसाद की जड़ इस घर में ये बैंड है। जब कोई नेक काम करने का सोचो इनकी ढमढम शुरू हो जाती है, जाओ नहीं करने का, नहीं करने का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई आशु तो चला गया हंगर स्ट्राइक पर। अरे उसे छोड़े, मैंने देसी घी में फ्राई किया आपके लिए कबाब, जल्दी से खा ले वरना कोई आ जाएगा। ये वही देसी घी है ना जो भाभी लेके आई थी अपने हीरो के लिए? हाँ तो क्या हुआ, हमारे मुंह में कुछ छा ले जो हम नहीं खा सकते? देसी घी के कबाब खाए ना जल्दी, बताए कैसे बने। वाह नाज वाह, ऐसे ही तो नहीं तुम्हारी परवार से जलता है सारा जमाना। डैडी कबाब तो नहीं खा रहे? अरे निकल लो चल जाएगा वो। और नाज इस तरह से ना खाने में ठोंगी मारने से बरकत खत्म हो जाती है खाने की। ताई अम्मी बताए कबाब किसमें फ्राई है? किसमें तले? ऑयल में तले और क्या? हाशु नहीं आया नीचे अभी तक नाश्ते के लिए? अरे वही तो मैं बताने आई थी, हाशु ने तो अपने आपको कमरे में बंद करके रख दिया है, उस टिड्डी के चक्कर में उसके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। कमाल है भाई, ऐसे करना नहीं चाहिए उसको। चलो बच्चों तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना क्या? चलो चलो कमरे में जाओ, अपने अपने बैग लेके आओ, जाओ तो वैन आने वाली होगी। डॉलर अपनी पानी वाली गन मत लेके जाना स्कूल, वरना बहुत मारूंगी। अरे इसकी गन को छोड़ो, बात हमारे गुनों पर आ जाएगी, क्योंकि माला को आज फिर कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तुमको तो पता है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, अब प्लीज तुम दोनों मिलकर कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर लेना। आखिर हुआ क्या है आपकी तबीयत को? बताया तो था मैंने नाच, तुम्हें कुछ बदहजमी सी हो गई ना मुझे। अरे भाभी देसी घी से बना हुआ कबाब खा ले परांठे के साथ, एकदम तबीयत फिट हो जाएगी आपकी। नाज तुमने फिर हाशो का देसी घी निकाला? अरे गंदे नहीं है तुम्हारी बीवी की?
मैंने तो सिर्फ कबाब ही तले थे, आपने तो सीधा नच ही तन दिया। सॉरी जानू, वो फ्लो में निकल गया मुँह से। चलो अब नाश्ता बना लो, उसके बाद मिलके हॉरर फिल्म देखेंगे। आप पहले अपने खौफनाक बच्चों को वैन पर तो चढ़ा कर आ जाए, फिर देखेंगे खौफनाक मूवी। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से बना दूंगा तुम्हें नाश्ता। ये लीजिए मामा आपका चीज सैंडविच। अपने बाप को तुमने भड़काया डॉक्टर अशर के खिलाफ। मैं क्यों भड़काऊंगी उन्हें? सारिम गुलजार के लिए। भड़काया नहीं है मैंने, बताया है उन्हें। अरे बेवकूफ लड़की, जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर की जिम्मेदारियों को समझ सकता है। मामा कल तक आपको प्रॉब्लम उसकी फैमिली से थी, आज आप उसके काम को बीच में ले आई हैं। मुझे ए टू जी उसकी हर चीज से प्रॉब्लम है, वो भी लॉजिकल। खैर मैंने डॉक्टर फारिया से छुट्टी ले ली, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आज फिर इरादा हो गया तुम बाप बेटी का खुफिया लंच का। मेरी तरफ से तुम दोनों फाड़ में जाओ। बहुत जन ऐसे हद होती है यार, मैं बास्केटबॉल मैच की बात करें, आपने मेरी मैच मीटिंग दी, फिर नया लड़का बुला लिया। अगर आज अम्मा जिंदा होती ना तो क्या होता बोलो? तो कुछ नहीं, फिर भी बात 5 साल पहले हो रही होती। मतलब बाबूजान की बात मान लो तुम। ब्रू कल तक तो बहन को तारों पर कमंदे डालने के मशवरे दे रहे थे आप। ये क्या मशवरा देगा, ये अपना तारा तो तोड़ नहीं सकता डॉक्टर राजिया के आसमान से। तो आप मदद करे ना, पता अम्मा होती ना तब तक मैं फूफो तो बनी चुकी होती। फूफो के भाई, ये तो इतनी जमा जमा के स्त्री कर रहे हो, कहाँ की तैयारियां हैं? वो एक कंपनी में प्रेजेंटेशन है मेरी डिजाइन की भी आपकी। अच्छा प्रेजेंटेशन, लेकिन शक्ल के डिजाइन से तो कुछ और ही दिख रहा है। बोला के बच्चे बहुत कम मेरी चॉकलेट, जहाँ तो ये बताओ मेरे फ्रेंड से हटी बसी तो आऊंगी। अरे मेरी शर्ट चलो, अरे पेट पकड़े तो था मैं तो गोले बोल दे। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी भूख हड़ताल? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है भाई, और मैंने हमेशा सपोर्ट किया आपको, कभी मना किया अपने ब्रांडेड सॉक्स पहनने से, हमेशा भाभी को ब्रेस करने के लिए बेस्ट विशेस दिए। और आप तो मैं क्या अपना कुर्ता निकाल के रख दूं तुम्हारे सामने? कुर्ता ना सही, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट ही कर ले मेरा इस बुरे वक्त में। तुम्हारे भाई का भी बुरा वक्त ही चल रहा है, माँ सास ने इनकार कर दिया, अब जा रहा हूँ ससुर के सामने अपनी बेइज्जती करवाने में। लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं दिखती किसी, किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ। अरे ये बर्गर मंगवाया ये ठूस, और अपने चेहरे पे थोड़ी मिस्कीनियत ला ताकि किसी को रहम तो आए इस चैनल पे। आप भी मान ले इंसानों का शत्रु नसब या तो हिटलर या हाला वुहान से मिलता होगा, तभी सारे तरह जालिम और बेहस है। जान अरे तुम इधर हो, नीचे तुम्हारी ढूंढिया मची हुई है। आराम से, आराम से, क्या काम है? ये रिफ्रेशमेंट ला दो ना, माला को एक फैमिली देखने आ रही है शाम। मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ये हाशिर ला के देगा आपको। मर गया हाशिर, मैं नहीं ला रहा। निकल जा अपने नेपाल के जंगलात में, तू कोई काम ना करना। ये बर्गर किसके लिए आए? इसके ये मेरे नहीं आए। तो तुम तो मीटिंग में जा रहे हो, और ये तो वैसे ही भूख हड़ताल पर है, मैं ले लेती हूँ। तुम जा रहे हो रिफ्रेशमेंट लाने, या मैं सलीम भाई को बुलाऊं? मैं ही लाऊंगा, और कौन लाएगा? डॉलर देख, मैंने तेरे लिए एक बर्गर ऑर्डर किया है। तुम्हारे नसीब की बारिश ही कहीं और बरस पड़ी भाई। नखरे पेट खराब हो जाए चाची का। हाँ तारा, अरे बस निकल गया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस आ गया। 75,000 का बिल है, 20-20 तुम दोनों दे देना। 35 मैं दे दूंगा। बाबू भैया, गैस का हम तीनों बराबर देंगे, आपने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है हर बार ज्यादा देने का। मेरा तो धंधा बिल्कुल चौपट चल रहा है। तो अब आ जाओ तो तुम्हारा बचता रहता है 24 घंटे घर में। अब ऑफिस घर में होगा तो प्रैक्टिस भी घर में ही करेंगे ना। कोई बात, इसके हिस्से का मैं दे। बाबू भैया, आप इस जोरू के गुलाम को हमेशा बड़ी फेवर देते हैं। छोटा है गुल्लो, और मैंने बहुत प्यार से इसको पाला। थैंक यू बाबू भैया। अरे चांद भैया, बड़े लश्कारे मार रहे हो, कोई जान चढ़ाने का प्रोग्राम तो नहीं आज? अस्तगफुरुल्लाह चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं? माला को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, इसको देखकर लग रहा है ये खुद पर दिखावे के लिए जा रहा है। एक कंपनी में मेरी बनाई हुई ऐप की प्रेजेंटेशन है, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से, जरा लेट करूँ। कन्फर्म कोई लोचा है भाई, एक्सपीरियंस बताओ, और आप सब जानते हैं मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। ओ माफ कर दो यार, हम नहीं जानते। सुने
जाकर देखे ना अपने उस स्टार बच्चे को, कल से कुछ नहीं खाया उसने। खाया उसने नहीं और शक्ल पर मारा तुम्हारे बजे हुए है। कुछ अपना नहीं तो इस बच्चे का ही ख्याल कर लो। हाँ तो उसी बच्चे की तो बात करने आई हूँ ना आपसे। लेकिन मैं इस उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। भाई कोई हल निकालो इस मसले का, ये अब ज्यादा देर नहीं चल सकता। बाबू भैया आप इतने छोटे बच्चे की शादी भी तो नहीं कर सकते। छोटे बड़े हो जाते हैं अगर जिम्मेदारी दो, खाने दो इन्हें भी। शादी का लड्डू जैसे इंश्योरेंस एजेंट सही वक्त पर सही एड्स देते हैं, एडवाइस देते हैं, बिल्कुल उसी तरह परफेक्ट लाइफ फार्मेसी हूँ मैं, लाइफ पार्टनर हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हो यार, ये कैसी राइटिंग है यार, एक तो डॉक्टर की राइटिंग समझ में ही नहीं आती है। लाइफ पार्टनर हूँ मैं आपकी बेटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए पेट पॉलिसी खरीदनी आनी, बेस्ट पॉलिसी खरीदी। यार ये क्या बकवास है यार, ये थर्ड क्लास स्पीच याद करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अरे यार मैंने डॉक्टर फारिया से ऑफ लेकर ये स्पीच लिखी है ताकि तुम्हारा सीन ऑन करवा सकूं। तुम्हारे फादर से मिलना ना, मैं मिल लूंगा जाके। यार ये थर्ड क्लास लाइंस बोलना जरूरी है क्या? तुम पापा से नहीं एक सीनियर इंश्योरेंस मैनेजर से मिलने जा रहे हो, उनकी बेटी का हाथ मांग। एक मिनट पहले तुम मुझे क्लियर कर दो, मैं बर्थ रिकवरी के लिए जा रहा हूँ या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने? दोनों ही करने जा रहे हो। सही है बिल्कुल। तुम और तुम्हारी फैमिली ना मजे ले रही है मुझे डुबडुबी पे नचा कर, अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बंदर बना के रख दिया यार। सच्ची बन जाओ तुम अब अच्छी। ये ड्रेस पहन के जाओगे तुम वहाँ? ये 35,000 रुपए का कोट, ये 50,000 रुपए के जूते, और क्या पहनूं? चट्टी पहन लूं पहन के ऊपर सुपरमैन की तरह? इतना हैंडसम स्मार्ट वेल एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, तुमने मुझे हल्का लिया हुआ यार। अच्छा सही है, पापा के सामने जंगलाना मत। अरे तारा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है कुर्बानी के लिए बकरा यार? एक ही बात है। सही है, नसीहत करूंगा अपने आने वाली 4 नस्लों को कि बेटा भैंस पाल लेना, घोड़ी पाल लेना, बकरी पाल लेना, यहाँ तक कि खुश फैमिली भी पाल लेना, लेकिन कभी किसी लेडी डॉक्टर से मोहब्बत न करना, आसानी से मरने भी नहीं देगी वो। इतनी लंबी लंबी फजूल बातें करवा लो तुमसे, लेकिन मेरी लिखी हुई 4 लाइनें ना बोली गई तुमसे। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाइयों के नाम लिखते हुए अच्छे लगते हैं। अब चलो प्लीज। चलो गाड़ी प्रैक्टिस कराऊं तुम्हारे। भाई अब मुझे और प्रैक्टिस नहीं करनी प्लीज यार, मैं बोल लूंगा जो कुछ मुझे बोलना होगा। सीधा चलो, कोशिश तो करो। चोट लगी हुई है तारा। अच्छा तुम आगे चलो, मैं सीधा चलता हूँ। चलो आगे चलो। यार ये दुनिया मार्च पे चली गई है और ये लोग जो लड़कियों की शादी से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। मुझे बताऊं मैं किस दीवार पे जाके अपना सर फोड़ूं? रूमी और उसकी अम्मा ने कल से मुझे बॉयकॉट किया हुआ है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो लड़का उनकी बेटी के लिए तमीज से स्टैंड नहीं ले सकता वो उसका साथ खाक देगा क्या? बात स्टैंड लेने की नहीं है, बात है हमारे पेरेंट्स की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। उनका स्कूल ऑफ थॉट फर्क है, हमारा फर्क है, हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते वो। ये लो फुटबॉल, लो डॉलर का, इसको अपने सर पे मान। नहीं इस बॉल को ना किक मार के अपना सारा अग्रेशन निकाल दो। ये खुदकुशी, वो करता, ये बुजदिलों के काम है यार, अपनी सारी एनर्जी गेम पे लगाओ। ये देखो ये अम्मा अम्मा भाई अरे मेरा तो मोती का ऑपरेशन पिछले हफ्ते हुआ था। चलो भाई लेंस लगता है लेंस हिल गया आंख में, पूरे 50,000 का लगवाया था। उफ अल्लाह तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। I am so sorry आंटी, मैं तो रोनाल्डो को कॉपी कर रही थी। ये कॉपी पेस्ट की ट्रेनिंग किसी ग्राउंड में भी जाके हो सकती है। मेरी आंखों के इर्द-गिर्द गोल-गोल दायरे घूम रहे हैं। आंटी को फौरन अस्पताल लेके जाओ। पता है हमारे पड़ोस से भी आंटी थी, उनकी भी सर पे बॉल लगी थी, वो अंधी हो गई थी यार। अरे लानत भेजो इस रिश्ते पर, फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरी तो आंखों के इर्द-गिर्द अंधेरा आ रहा है। चले चले चलो। अंधेपन वाला ज्यादा नहीं हो गया था? जब अंदर जाके पता चलेगा ना कि तुमने क्या किया है, हमारे साथ जो होगा वो भी कम नहीं होगा। चलो ये बात पेट से मत निकाला, बाहर का मैं देख लूंगी। चल देखे ना। हाँ तारा मैं तुम्हारे फादर को पहचानूंगा कैसे यार? मैंने तुम्हें माँ पापा की शादी की पिक्चर दिखाई तो थी। खुदा का खौफ करो यार, दूल्हा बना बंदा वैसे ही अवनक लग रहा होता है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, दोबारा सेंड कर दो प्लीज। अच्छा तुम फोन रखो, मैं उनकी लेटेस्ट पिक्चर तुम्हें भेजती हूँ। ओके ओके।
अरे भाई भैया, ये मेरी परमानेंट पार्किंग है, प्लीज गाड़ी हटाओ। अरे चाचा, पूरी पार्किंग खाली है, कहीं भी लगा ले। वहां जगह है, वहां लगा लेना। अरे भतीजे, ये मेरी परमानेंट पार्किंग है, मेरा दफ्तर है ऊपर, हटाओ गाड़ी। तो मैं लेट हो रहा हूँ, आपके नाम की तख्ती तो लगी भी नहीं है यहाँ पे यार। गार्ड को बुलाओ, वो बता देगा किसकी पार्किंग है, प्लीज हटाओ। अच्छा मैं हटा लेता हूँ, लेकिन डर के नहीं हटा रहा हूँ। थैंक यू। अरे यार, सिग्नल ही नहीं आ रही है, पिक्चर डाउनलोड कैसे होगी? जगह नहीं है कि बंदा पे। ये चचा मेरे बाद आए यार, बाय बाय। अरे सर, फिकर क्यों कर रहे, हो जाएगा टारगेट पूरा। ये भी कोई अजीब ही श्रम है। तू चांद और मैं तारा।